नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सरसर स्वागत करती हूँ। पिछली तासिका में हमने कक्षा छठी के लिए वसंत भाग एक में से पाठ्यक्रम अंक 10वां देखा था, जिसका नाम था झांसी की रानी। पिछली तासिका में हमने यह देखा था कि प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा जो कवयित्री है, कवयित्री ने राजाओं की शक्ति एकत्रित करने का वर्णन किया था। उन पंक्तियों का जो अर्थ है वह आज हम देखेंगे कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में कवयित्री जो है वह कह रही है कि अंग्रेजों के द्वारा भारत को अपने अधिकार में करते जाने से लोगों के मन में गहरा रोष था। जैसे कि हमारी वस्तु पर अगर कोई दूसरा आकर अधिकार दिखाए तो उसे हम सह नहीं सकते, उस व्यक्ति पर हमारा रोष हो जाता है। ठीक उसी प्रकार की हालत इस भारत में हो चुकी थी कि जैसे कि अंग्रेजों द्वारा भारत को अपने अधिकार में करते जाने पर यहाँ के जो लोग हैं, भारतवासी जो हैं या यहाँ के जो राजा हैं, इनके मन में गहरा रोष निर्माण होता जा रहा था। अमीर और गरीब सभी कष्टपूर्ण जीवन बिता रहे थे। वीर सैनिकों के मन में अपने पुरखों का जो अभिमान था वह अभी भी जागृत था। जैसे कि नाना साहब और बाजीराव पेशवा जो थे, अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए सब साथ एकत्र करते रहे, सभी लोग एकत्रित आ चुके थे, उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना था। इसी समय झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी इस युद्ध में भाग लेने की सोची थी और इस युद्ध में भाग लेने के लिए वह अनेक राजाओं को एकत्रित करती गई, संगठित करती गई और युद्ध के लिए उन्हें प्रेरित करती गई। लोगों के सुप्त हृदय में स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो चिंगारी थी वह चिंगारी जलाने का कार्य रानी जो थी लक्ष्मीबाई, उन्होंने शुरू कर दिया था। अन्य लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों से सत्ता वापस लेने के लिए तत्पर हो चुके थे। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के मन में भारत को स्वतंत्र करने की जो चिंगारी थी वह चिंगारी जल उठी थी, दहक रही थी। हमने यही कहानी बुंदेलखंड के बुंदेली लोगों से सुनी थी कि लक्ष्मीबाई जो है वह पुरुषों के भांति वीरता से लड़ी थी, ऐसा कवयित्री हमें यहाँ बताना चाह रही है। कविता के जो आगे के काव्यांश है वह इस प्रकार से है, जिसे आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में ध्यान से उंगली रखकर देखना है। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में थी कुछ हलचल उकसानी भी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी बरदानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यही काव्यांश मैं पुनः एक बार दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में थी कुछ हलचल उकसानी भी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह जो प्रस्तुत काव्यांश है इसमें आए हुए जो कठिन शब्दार्थ हैं वह इस प्रकार से हैं, ध्यान से सुनिए और अपनी पाठ्यपुस्तक में पेंसिल से अधोरेखांकित कर लीजिए, उसके अर्थ लिख लीजिए उसके आगे। प्रथम है अंतरतम। अंतरतम अर्थात हृदय। दूसरा है ज्वाला अर्थात आग की लपट। तीसरा है उकसाना अर्थात प्रेरित करना। यही कठिन शब्दार्थ मैं पुनः एक बार दोहराती हूं, ध्यान से सुनिए। अंतरतम अर्थात हृदय, दूसरा है ज्वाला अर्थात आग की लपट,
तीसरा है उकसाना अर्थात प्रेरित करना। प्रस्तुत जो काव्यांश है उसके लिए संदर्भ जो है वह पूर्ववत ही रहेगा। इस काव्यांश में जो प्रसंग है वह इस प्रकार से है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने भारतवासियों के मन में जो क्रांति की ज्वाला भड़की थी ना, उसका वर्णन इन पंक्तियों द्वारा किया है। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में जो कवयित्री है वह कहती है कि रानी लक्ष्मीबाई तथा जो अन्य राजा हैं, इन राजाओं ने क्रांति की जो चिंगारी लगाई थी कि हर एक भारतवासी के मन में भारत स्वतंत्रता के लिए जो चिंगारी जली थी ना, वह अब पूर्ण ज्वाला बनकर भड़क उठी थी। वह केवल एक चिंगारी नहीं रह गई थी, उस चिंगारी का स्वरूप ज्वाला में बदल चुका था। महलों और झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं, इन्होंने मिलकर क्रांति में भाग लिया, अर्थात देश के हर एक प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह जो स्वतंत्रता की जो ज्वाला है वह भड़क उठी थी। स्वतंत्रता की चिंगारी लोगों के अंतर मन से निकली थी, अर्थात ऊपरी तौर से या हिस्सा लेना है इसलिए भाग ले रहे हैं, ऐसा नहीं था। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन से, क्यों इस क्रांति में सहभागी हो रहा था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि अभी परतंत्रता में जीवन बिताना काफी कठिन है, अब हमें स्वतंत्र होना है और हमारे देश को स्वतंत्र करना है। इसीलिए स्वतंत्रता की यह जो चिंगारी थी वह लोगों के अंतर मन से निकली थी, और इसका कारण केवल यही था कि सभी अंग्रेजों के अत्याचारों से दुखी थे। सभी जनता जो थी, सभी लोग जो थे, वह अंग्रेजों के जो अत्याचार उन पर हो रहे थे, इस अत्याचार से वह दुखी थे। झांसी में क्रांति की जो लहर उठी थी वह दिल्ली और लखनऊ तक फैल गई थी, अर्थात केवल यह क्रांति की लहर झांसी तक ही सीमित नहीं थी, आगे बढ़कर वह दिल्ली और लखनऊ में भी फैल गई थी। मेरठ, कानपुर, पटना में भी यह क्रांति की लहर फैलाती गई। जबलपुर और कोल्हापुर में भी कुछ हलचल हुई, अर्थात सर्वत्र पूरे भारत में यह जो क्रांति की लहर है वह फैलती गई थी। चारों ओर लोग सचेत हो गए थे और स्वतंत्रता की कामना करने लगे थे, अर्थात कोई भी भारतवासी या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो परतंत्र में रहना चाहता था। बुंदेले के जो लोग हैं या बुंदेलखंड के बुंदेले जो लोग हैं, इनके मुंह से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की जो कहानी है वह सुनी है, ऐसा कवयित्री हमें बताना चाहती है। आगे का जो काव्यांश है वह इस प्रकार से है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातैया चतुर अली मुला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनका नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यही काव्यांश जो है वह मैं पुनः एक बार दोहराती हूँ, जरा ध्यान से सुनिए और अपनी पाठ्य पुस्तक में उंगली रखकर उसे ध्यान से देखिए ताकि आपको भी समझ में आए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत जो काव्यांश है इसमें आए हुए जो कठिन शब्दार्थ है वह इस प्रकार से हैं। प्रथम वीरवार अर्थात बहादुर, दूसरा काम आए अर्थात योगदान देना, तीसरा अभिराम अर्थात सुंदर, चौथा गगन अर्थात आकाश, पांचवा जुर्म अर्थात अपराध। यही कठिन शब्दार्थ मैं पुनः एक बार दोहराती हूं। प्रथम वीरवार अर्थात बहादुर, दूसरा काम आए अर्थात योगदान देना, तीसरा अभिराम अर्थात सुंदर, चौथा गगन अर्थात आकाश, पांचवा जुर्म अर्थात अपराध। इस काव्यांश के लिए जो संदर्भ है वह पूर्ववत ही रहेगा। प्रसंग इस प्रकार से आएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवयित्री है उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना जो बलिदान है वह बलिदान देने वाले लोगों का वर्णन किया है। स्पष्टीकरण इस प्रकार से आता है कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं इन पंक्तियों में कवयित्री कह रही हैं कि स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में बहुत से वीरों ने अपना बलिदान दे दिया है। इनमें धुंधु पंत, तात्या, अजीमुला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे अनेक वीर सैनिक थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास रूपी आकाश में इन वीरों के जो नाम हैं वह अमर रहेंगे, ऐसा कवयित्री हमें बताती हैं। और इन वीरों का जो बलिदान है और जो त्याग है भले ही आज एक अपराध कहलाए परंतु उन वीरों का बलिदान देश की स्वतंत्रता के लिए था, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं था। उनका बलिदान किसके लिए था कि हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए था, हमारा देश स्वतंत्र हो जाए, हमारे देश के लोग स्वतंत्र हो जाए, इसलिए था। बुंदेलखंड के बुंदेले लोगों से हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की यही कहानी सुनी थी, ऐसा कवयित्री हमें इस कविता के द्वारा या इन काव्यांशों के द्वारा बताना चाहती है। आगे के जो काव्यांश है वह इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिए, अपनी पाठ्यपुस्तक में देखिए। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पुनः एक बार मैं यह दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी, बूंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह जो काव्यांश है इस काव्यांश में आए हुए जो कठिन शब्दार्थ है वह इस प्रकार से हैं। प्रथम है गाथा अर्थात कहानी, दूसरा है आसमान अर्थात जो समान न हो या जो बराबर नहीं हो, तीसरा है हैरानी अर्थात आश्चर्य,
यही कठिन शब्दार्थ मैं पुनः एक बार दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए और अपनी पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से अधोरेखांकित करके उनके अर्थ लिख लीजिए। गाथा अर्थात कहानी, दूसरा है असमान अर्थात जो समान न हो या जो बराबर नहीं हो, तीसरा है हैरानी अर्थात आश्चर्य। संदर्भ जो है वह पूर्ववत रहेगा और जो प्रसंग है वह इस प्रकार से है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने लक्ष्मीबाई और लेफ्टिनेंट जो वॉकर हैं इनके बीच जो युद्ध हुआ उस युद्ध का वर्णन किया है। स्पष्टीकरण इस काव्यांश का इस प्रकार से आता है कि प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवयित्री हैं वह कहती है कि भारत के उन राज्यों की बात हम छोड़ दें। कवयित्री क्या कहती है कि भारत के उन राज्यों की बात हम छोड़ दें जिन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए हैं। अर्थात किन लोगों की या किन राज्यों की बात हमें छोड़नी है कि जो अंग्रेजों के सामने हार गए हैं, जिन्होंने अपने घुटने टेक दिए हैं। चलो हम झांसी के मैदान की ओर चले कि जिस मैदान में रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों के समान पुरुष रूप में खड़ी थी और पुरुषों के समान वह पुरुष रूप में जब खड़ी थी तो रानी पुरुषों के समान वीरता से युद्ध भी कर रही थी। केवल खड़ी नहीं थी, वह पुरुषों के समान वीरता से युद्ध भी कर रही थी। उसी समय जो लेफ्टिनेंट वॉकर हैं, उसी समय क्या हो जाता है, जो लेफ्टिनेंट वॉकर है वह क्या करता है, अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां आ जाता है। और जब वह अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां आ जाता है तब रानी ने उस लेफ्टिनेंट वॉकर से युद्ध किया और उसे युद्ध करने के लिए अपनी जो तलवार है वह तलवार म्यान से निकाली। रानी लक्ष्मीबाई और लेफ्टिनेंट वॉकर जो है इनमें घनासान युद्ध हो जाता है। इस युद्ध में लेफ्टिनेंट वॉकर जो है वह घायल हो जाता है और घायल होने के पश्चात वह क्या करता है, वहां से भाग खड़ा होता है। लेफ्टिनेंट वॉकर जो है वह घायल होने के पश्चात वहां से भाग निकलता है। लेफ्टिनेंट वॉकर अत्यंत हैरान था, उसे काफी आश्चर्य था कि रानी ने उसे परास्त कर दिया था। लेफ्टिनेंट वॉकर किस लिए हैरान था कि एक स्त्री होते हुए या एक रानी ने उसे क्या किया था, पराजित कर दिया था, हराया था। रानी के वीरता की यह कहानी हमने बुंदेल लोगों से सुनी थी और वह पुरुषों के समान वीरता से लड़ी थी, ऐसा कवयित्री हमें इस काव्यांश के द्वारा बताना चाहती है। आगे का काव्यांश जो है वह इस प्रकार से है, ध्यान से देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक में। रानी बड़ी कालपी आई कर सौमील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यही काव्यांश मैं पुनः एक बार दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए। रानी बड़ी कालपी आई कर सौमिल अनिरंतर पर, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार, यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें आए हुए कठिन शब्दार्थ इस प्रकार से हैं, प्रथम निरंतर अर्थात लगातार, दूसरा है तत्काल अर्थात तुरंत। पुनः एक बार सुनिए कठिन शब्दार्थ, प्रथम निरंतर अर्थात लगातार, दूसरा है तत्काल अर्थात तुरंत। इसमें जो संदर्भ है वह पूर्ववत ही रहेगा परंतु प्रसंग जो है वह प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने रानी के घोड़े के मृत्यु की तथा
युद्ध में अंग्रेजों से हार का वर्णन किया है। संदर्भ जो है वह इस प्रकार से है, स्पष्टीकरण जो है संदर्भ का वह इस प्रकार से है कि प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवयित्री है वह कहती है कि रानी जो है वह युद्ध करते हुए निरंतर आगे ही बढ़ती जा रही थी, वह कहीं रुकी नहीं थी। लगभग 100 मील का जो रास्ता है वह रास्ता पार करके रानी लक्ष्मीबाई जो है वह कापली पर पहुंच गई थी, परंतु रानी का जो घोड़ा है वह काफी थक गया था। रानी का घोड़ा क्या हो चुका था, काफी थक गया था और थककर वह घोड़ा जो है वह धरती पर गिर पड़ा और तुरंत ही मर गया। उधर जो यमुना का तट है, यमुना अर्थात यमुना नदी जो है, उस तट पर अंग्रेजों ने रानी से फिर से युद्ध में पराजित होना पड़ा अंग्रेजों को। अर्थात यमुना के तट पर भी अंग्रेजों का रानी से युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेज पराजित हुए। रानी की विजय हो गई और रानी आगे चल दी। आगे चलकर जो ग्वालियर है उस ग्वालियर पर रानी ने अपने जीत का झंडा फहराया और अपने अधिकार में ग्वालियर को ले लिया। ग्वालियर का जो राजा था सिंधिया वह अंग्रेजों का मित्र था, तो उसने रानी के भय के कारण अपनी जो राजधानी है उसे ही छोड़ दी। रानी की वीरता की यह जो कहानी है वह हमने बुंदेले लोगों के मुंह से सुनी थी कि रानी पुरुषों के समान युद्ध में लड़ी थी, ऐसा कवयित्री हमें प्रस्तुत काव्यांश के द्वारा समझाना चाहती है। काव्यांश आगे का देखिए, विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यही काव्यांश मैं पुनः एक बार दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए, अपनी पाठ्य पुस्तक में ध्यान दीजिए। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुख की खाई थी। काना और मंदिरा सखिया रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस काव्यांश में आए हुए कठिन शब्दार्थ जो है वह इस प्रकार से हैं। प्रथम है मर्दानी अर्थात पुरुष की तरह, पुनः एक बार सुनिए, प्रथम मर्दानी अर्थात पुरुष की तरह। संदर्भ इसके लिए पूर्ववत ही रहेगा, परंतु प्रसंग जो है वह प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई और जनरल स्मिथ जो हैं वह और ह्यूरोज के घमासान जो युद्ध हुआ इन तीनों के बीच में, इस युद्ध का वर्णन इस काव्यांश के द्वारा किया है, तो उसका वर्णन, उस प्रसंग का वर्णन इस काव्यांश में आया हुआ है। अब रानी जो है, इस रानी की विजय हुई, ग्वालियर पर उसने अपना अधिकार किया, किंतु पुनः अंग्रेजों की जो सेना है वह सेना वहां पर आ जाती है और उस सेना ने क्या किया, युद्ध में रानी को घेर लिया। इस बार जनरल स्मिथ जो है वह अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था, वह एक बार रानी से पराजित भी हो चुका था। इस बार रानी के साथ उसकी दो सहेलियां थी, जिन सहेलियों का नाम था काना और मंदरा। यह काना और मंदरा भी रानी के साथ थी। काना और मंदरा भी रानी के साथ युद्ध कर रही थी, वह केवल उनके साथ खड़ी नहीं थी तो वह भी युद्ध कर रही थी। घमासान युद्ध हुआ, किंतु इसी बीच दूसरी ओर से यूरोज जो है वह अपनी सेना के साथ वहां आ पहुंच गया। अब रानी स्मिथ और यूरोज के बीच घिर गई थी और
हमने हरबोलों के मुंह से रानी की यह जो वीरता की कहानी है वह कहानी सुनी है, ऐसा कवयित्री हमें इस काव्यांश के द्वारा बता रही है। आगे के काव्यांश देखिए। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बूंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। उन्हें एक बार सुनिए। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहतर, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बूंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। कठिन शब्दार्थ इसमें आए हुए इस प्रकार से हैं। प्रथम विषम विपरीत, दूसरा अपार अर्थात जिसे पार न किया जा सके। पुनः एक बार सुनिए। प्रथम विषम अर्थात विपरीत, दूसरा है अपार अर्थात जिसे पार न किया जा सके। संदर्भ पूर्ववत रहेगा। प्रस्तुत पंक्तियों में जो प्रसंग है वह इस प्रकार से है कि कवयित्री ने रानी के वीरतापूर्वक युद्ध करने तथा युद्ध में घायल होने का जो वर्णन है वह इस काव्यांश के द्वारा किया है। स्पष्टीकरण इस प्रकार से है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री कह रही हैं कि रानी हीरोज और जनरल स्मिथ की जो सेना है इस सेना से घिर गई है, फिर भी वह सेना को चीरती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। यहाँ पर घोर युद्ध किया गया, किंतु सामने एक नाला आ गया, और जैसे ही नाला आ गया तो रानी का घोड़ा नया था इसलिए वह अड़ गया, वह आगे नहीं बढ़ पाया। तभी पीछे से अंग्रेजी सैनिक आ गए और दोनों ओर से युद्ध होने लगा, परंतु रानी अकेली थी। एक और जनरल स्मिथ था, एक और हीरोज था, परंतु रानी अकेली थी और अंग्रेज सैनिक उनके मुकाबले में अधिक थे। रानी चारों ओर से घिर गई थी, लगातार रानी पर वार हो रहे थे। अंत में रानी शेरनी की भांति घायल होकर गिर गई। रानी युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई, और बुंदेले लोगों के मुंह से हमने यह रानी की वीरता की जो कहानी है वह कहानी सुनी है, ऐसा कवयित्री हमें यहाँ पर बताना चाहती है। आगे के काव्यांश देखिए। रानी गई सिधार, पुनः एक बार देखिए। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, वन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी। बूंदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत जो काव्यांश है इस काव्यांश में आए हुए कठिन शब्दार्थ जो है वह इस प्रकार से है। प्रथम है दिव्य अर्थात अलौकिक या देवताओं जैसी। दूसरा है मनुज अर्थात मनुष्य। संदर्भ पूर्ववत रहेगा, परंतु प्रसंग जो है वह प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन की जो अंतिम यात्रा थी उसका वर्णन किया है। स्पष्टीकरण इस प्रकार से है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने कहा है कि रानी वीर गति को प्राप्त हो गई थी, अब चिता ही उनकी दिव्य सवारी थी। उनका अलौकिक व्यक्तित्व चिता को भेंट हो गया था, उनका तेज अग्नि तेज से मिल गया था। अभी उनकी जो व्यथा थी वह केवल 23 वर्ष की थी। वह साधारण मानव नहीं थी बल्कि कोई दिव्य अवतार थी, ऐसा यहाँ कहा गया है। वह स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता जो है
वह बताने आई थी। जो सीख हमें देनी थी वह सीख वह देकर चली गई। वह हमारे लिए स्वतंत्रता की देवी बनकर आई थी। वह भारतवासियों को बलिदान का मार्ग दिखा कर गई। बुंदेली लोगों के मुँह से हमने रानी के वीरता की यह जो कहानी है वह कहानी सुनी थी, ऐसा कवयित्री हमें इस काव्यांश के द्वारा बता रही है। आगे के काव्यांश देखिए। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी। बूंदेले हर लोग बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत काव्यांश जो है उस काव्यांश में आए हुए कठिन शब्दार्थ जो है वह इस प्रकार से है। प्रथम है कृतज्ञ अर्थात उपकार को याद रखने वाले। दूसरा है अविनाशी अर्थात कभी नष्ट न होने वाला। तीसरा है स्मारक अर्थात स्मारक। संदर्भ जो है वह पूर्ववत ही रहेगा, परंतु प्रसंग जो है वह प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने रानी के बलिदान को अमरता प्रदान करने का वर्णन यहाँ पर इस काव्यांश के द्वारा किया है। स्पष्टीकरण इस प्रकार से आता है कि अंत में कवयित्री कहती है कि हे रानी तुम अब स्वर्ग सिधार गई हो, तुम्हें वीर गति प्राप्त हुई है। हम सब भारतवासी तुम्हारा यह जो बलिदान है उसे कभी नहीं भूलेंगे। हम सब भारतवासी तुम्हारा यह बलिदान सदैव याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान हमारे भीतर त्याग की भावना को जागृत करता है और आजादी के प्रति सचेत करता रहेगा। हम भारतवासी स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त करेंगे। इतिहास भले ही मौन हो जाए कुछ ना कहे, अंग्रेज भले ही विजय प्राप्त कर ले, झांसी को नष्ट कर दे, परंतु हम भारतवासी रानी तुम्हारा यह जो बलिदान है वह कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हें स्मरण करने के लिए तुम्हें याद रखने के लिए किसी स्मारक की आवश्यकता नहीं है। रानी तुम स्वयं ही एक स्मारक हो, ऐसा कवयित्री अपने इस काव्यांश के द्वारा कह रही है। आगे चलकर कवयित्री कहती है कि तुम स्वयं ही स्मरणीय रहोगी। बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से झांसी की रानी की उसके किए गए युद्ध की यह जो कहानी है वह हमने सुनी थी। जिन्होंने अर्थात रानी लक्ष्मीबाई ने पुरुषों के समान वीरता से युद्ध किया था। आज का हमारा यह जो पाठ है, हमारी यह जो कविता है झांसी की रानी, वह यही समाप्त होती है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।